साथ अपनी बेटी को टिकट दिया है और उसको लेकर प्रहलाद चौधरी ने कहा है कि किडनी की वजह से। देखिए, लालू प्रसाद ने अपनी बेटी को टिकट दिया है तो ये परिवारवाद का एक बहुत बढ़िया उदाहरण उन्होंने पेश किया है। पहले बेटा को दिया, बेटी को दिया, पूरे परिवार को दिया, तेज प्रताप, तेजस्वी, किसी का नाम ले, हेमा, रोहिणी, वो पूरे खानदान को टिकट दे रहे हैं। ये जो है आरक्षण की जब बात करते हैं आरजेडी के फैमिली के लोग, तो आरक्षण की बात समझने का प्रयास कीजिए, वो केवल अपने परिवार के आरक्षण की बात करते हैं और ये उदाहरण है, उसी का उदाहरण है। किडनी के बदले सीट की बात नहीं, ये उदाहरण है परिवारवाद का, आरक्षण का उदाहरण है। उनको बिहार में यादव समाज के लोगों में अब समय गुजर रहे हैं, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिहार परिवारवाद का एक बड़ा चेहरा बन चुका है, खासकर आरजेडी जो है परिवारवाद का एक बड़ा चेहरा बन चुका है और बड़ी पार्टी के रूप में आरजेडी अपने आप को स्थापित करना चाह रही है। लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में मेरा कहना है वो अपने परिवार को स्थापित करना चाह रही है, उनके परिवार का जो तब बिहार की जनता कहेंगे। होली मिलन का आयोजन किया गया है, अभी होली का ही माहौल चल रहा है। देखिए, होली के शुभ अवसर पर हम लोग तमाम पूरे बिहार के लोग, भोजपुर के लोग जो है शांतिपूर्वक होली मना रहे हैं। ये तो समाज में समरसता पैदा करने वाला एक आज के डेट में उत्सव का माहौल है और पूरे देश में समरसता को मनाने वाले हम लोग हैं। आप देखिए, पूरा देश राममय हो गया है, जब से राम मंदिर का पुनर्स्थापना की बात हुई है अब पूरा भारत राममय हो गया है। आपने देखा, यहाँ होली का गीत चल रहा है, तो एक पूरा संदेश है देश को, आज पूरे भारत का संदेश है कि इसके माध्यम से हम लोग जो है सभी समाज के लोग एकत्रित होकर एक साथ होली मनाते हैं और एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करके इस संदेश को देने का काम करते हैं कि हमारा पूरा देश पूरा ताकत। आज इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी हुआ है, बेटियों ने फिर बाजी मारी है, वो बिल्कुल से आगे निकल गए। ये बिहार के लिए ही खुशी की बात नहीं है, पूरे देश के लिए खुशी की बात है कि हमारी नारी शक्ति, हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है। और एक तरफ हम 33% रिजर्वेशन की बात करते हैं कि उनको दे के हम आगे बढ़ाएं और हमारी बेटियां, हमारी बहनें जो है लगातार आगे बढ़ रही है और ये प्रदर्शित कर रही है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम में भी देखा आपने कि बिहार ने अव्वल दर्जा लाने का काम किया है और इंटर की बात करें तो लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देश जो है सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहा है और पूरी दुनिया में एक ताकत हम लोग अपने आप उभरते जा रहे हैं। टिकट को लेकर के उलझन में है आपकी सरकार, अभी तक बिहार में टिकट का बंटवारा नहीं कर पाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में टिकट का जो फैसला होता है, मैं बता दूं आपको, ये टिकट का संगठित फैसला होता है और ये संगठन तय करता है कि किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी काम करें। आपने देखा कि पूरे देश में जब इसके पहले विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कई टिकट ऐसे लोगों को मिले जो चौंकाने वाले थे। तो लोग यहाँ सोचते हैं कि टिकट का बंटवारा जो है हम खुद तय कर लेते हैं, पटना के लोग या बिहार के लोग, नहीं, ऐसा नहीं है। खासकर लोकसभा की जब बात करें तो ये देश की बात होती है और टिकट का फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होता है, उनकी टीम के द्वारा होता है, तो किसी को यहाँ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से जो लोग काम कर रहे हैं उनको टिकट मिलेगा और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं वो टिकट से बाहर चले जाएंगे। काम कर रहे हैं वो टिकट का यहाँ पे जो तय करने का परंपरा सिस्टम नहीं है और पूरा लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में टिकट तय होता है, डेमोक्रेटिक तरीके से। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि पैसा दीजिए और टिकट लीजिए। और कांग्रेस में तो आदमी दावेदार नहीं मिल रहा, आप देख रहे हैं, कांग्रेस टिकट के लिए एमपी के चुनाव के लिए वहाँ पर खोज रहा कैंडिडेट और उसको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। आरजेडी में भी कैंडिडेट को दिक्कत है, वहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, एक एनडीए ही एक पार्टी है जहां पर टिकट के लिए मारामारी चल रहा है। लोग यहां मारामारी करेंगे, हमको टिकट मिले, क्योंकि सबको पता है कि बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए में ही आएगा, अब बाकी सब दल जो है यहां पीछे छूट जाएंगे। प्रभु श्री राम का उद्घोष करेंगे, बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। अब इस कार्यक्रम के नाम कर रहे हैं।
की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी और छोटा भैया सभी का सम्मान करें। हमारे इस भोजपुर बक्सर विभाग के हम लोगों के अभिभावक हमारे राज्यवान हम लोगों के आदमी हैं कार्यकर्ताओं के माँ आरण्य की धरती रानी देवी के महंत हम लोगों के प्रिय सोना वैसे आप सरोज भैया और मेयर प्रतिनिधि और उप मेयर प्रतिनिधि का स्वागत आप करते हैं। सरोज सोना भैया दोनों को स्वागत आप कर दीजिए और हमारे बीच भाजपा के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विभू जैन जी भी होते हैं। स्वागत 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 सोना भैया विभू जैन गाना भगवान श्री राम के ऊपर आधारित है वैसा गाना के साथ समारंभ हो आगे कार्यक्रम का आनंद लेंगे।